हाँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका फ्रंट व्यू। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए फोग लैंप, जो इसके जो साइड में जो ग्रिल दे रखी है सिल्वर कलर की, वो काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। आप इसकी लाइट्स देखेंगे तो वही पूरा क्रेटा वाला डिज़ाइन है। इसमें R18 के आपको टायर मिलते हैं जो कि सिल्वर और ब्लैक फिनिश में है। आप इसका अगर आपका इसका रियर व्यू देखेंगे तो वो थोड़ा क्रेटा कह रहा हूँ, एंडीवर जैसा लगता है। जैसे कि टेल गेट की लाइट्स हैं, आप अगर देखेंगे तो थोड़ा एंडीवर जैसा ही लुक आएगा, जैसे अल्कज़ार है। ऊपर आपकी सनरूफ हो गई। ये नीचे सिर्फ आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। ये इसका बम्पर हो गया, ये इसका एग्जॉस्ट देख सकते हैं। अल्कज़ार की बैचिंग, हुंडई का लोगो, पीछे रियर वाइपर भी है। अब इसकी प्राइसिंग भी थोड़ी बहुत कह रहे हैं कि 11-12 लाख रुपए शुरू हो जाएगी, नो कह रहे हैं अल्कज़ार की बैचिंग। अगर आप इसकी यार बिल्कुल लाइट्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल एंडीवर जैसी लग रही है बैक इसकी। ये इसका साइड व्यू, ऊपर देख सकते हो शार्क एंटीना। एक रूफ पे ये दी हुई है। अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे ना तो बिल्कुल मतलब डिज़ाइन बिल्कुल अलग है क्रेटा से। तो लोगो वैसा ही है लेकिन इसका डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो देख रहे हो आप सिल्वर कलर के, बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन है। आज तक हुंडई ऐसा डिज़ाइन तो मेरे ख्याल से किसी में भी नहीं दिया। एलेंट्रा में था थोड़ा बहुत। अगर आप इसकी लाइट्स देखो तो काफ़ी प्यारी लग रही है, क्रेटा जैसी। आप इसकी देख सकते हो, अभी इसकी लाइट ऑन हो चुकी है। नीचे देख सकते हो फोग लैंप, मतलब काफ़ी प्यारी लग रही है। ये देखिए, नहीं अच्छी लग रही है लाइट्स तो काफ़ी खैर। नीचे इंडिकेटर्स हैं, पीछे की लाइट्स देख लीजिए आप इसकी, मतलब ये काफ़ी अच्छी लग रही है लेकिन लुक है। सो मेरे हाथ में है ये हुंडई अल्कज़ार की। इसमें 4 बटन हैं जिसमें कि एक से ओपन होगी। सो करते ओपन, अब आपने देखेंगे, देखा ये फीचर तो आपने देख ही लिया है। अगर हम बात करें इसके इंटीरियर की तो इसमें आपको बोस के स्पीकर्स मिलते हैं, सब बूफर भी मिलते हैं। अगर हम बात करें इसकी क्वालिटी की तो यहाँ पे आपको ये डोर हैंडल्स मिलते हैं सिल्वर में। यहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, यहाँ पर लेदर का। यहाँ पर आपको सारे डोर्स के कीज़ दिए गए हैं, अनलॉक लॉक का बटन है, और ये आपका ORVM का, आप देख सकते हैं ये लॉक अनलॉक का। यहाँ पर आपका मैगजीन और बोतल होल्डर, बाकी आपको काफ़ी ग्राउंड कलर से भी काफ़ी मिल जाता है। आपकी लेदर सीट्स, आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, सीट्स भी काफ़ी प्रीमियम है, डुअल टोन में आपको सीट्स मिलती है। इसमें ऊपर सनरूफ भी, अभी वो भी उसके बारे में बात करेंगे। जो कुशन्स है वो भी काफ़ी अच्छे उस पर दिए हुए हैं। एसी वेंट्स, वो देखिए यहाँ पर पूरे ऊपर आपको 10.25 इंचेस की स्क्रीन दी हुई है, इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, और 6 स्पीड मैनुअल। और ऑटोमेटिक में लेंगे तो वो भी आपको 6 स्पीड में ही मिलता है। वहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जर और वायरलेस चार्जिंग का पोर्ट भी दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स भी दी गई हैं। सबसे जो तगड़ा फीचर लगा मेरे को यही लगा इसमें, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक का फीचर। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस दे दिया जाता है, थोड़ा काफ़ी हार्ड सा है।
देखा जाए तो उस थाने में पीछे आपको वो दिया गया है एयर प्योरीफायर। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस दिया गया है, डिसेंट स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा वो नहीं है। अगर हम इसकी बात करें इसके, ये इसका स्टेयरिंग विथ क्रूज कंट्रोल, और आप इसको देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है इसकी भी, और लेदर रैप हो रखा है। अगर हम बात करें इसका 10.25 इंचेस की मल्टी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो ये पूरा डिजिटल ही है, मतलब इसमें काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं, मोड्स भी आएंगे इसमें से, मड का अलग है, जैसे ये देखिए। अब जैसे इसको चेंज करेंगे ना तो इसका अलग से हो जाता है, अभी जिसमें लो फ्यूल का ऑप्शन शो कर रहा है, ये देखना अभी देखना। देखिए इसमें आपको रियर व्यू कैमरा भी मिलता है, वो फीचर लेकिन हम किसी और जगह इसी में कवर करेंगे वीडियो में। यहाँ पर आप क्लाइमेट कंट्रोल, एसी वेंट्स, IRVM। और अब बात करते हैं आपके मन चाहे फीचर की, जो फीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। उससे पहले लेकिन LED लाइट्स, और ये रहा आपका मन चाहिए सबसे मन चाहा फीचर सनरूफ। काफ़ी बड़ी सनरूफ है इसमें, वन टच सनरूफ है। बात करते हैं बैक साइड की, रियर सीट्स की, तो रियर सीट्स में आपको देख सकते हैं यहाँ पर भी प्लास्टिक का, यहाँ पर आपको लेदर है, सिल्वर कलर के वो मिल जाते हैं आपको लॉक अनलॉक के। और ये आपको रियर व्यू के सनसेट्स जिसमें आपको दिए गए हैं, जिसमें आई थिंक आपको 8 स्पीकर का बोस के स्पीकर मिलते हैं। अगर हम इसके बात करें तो 3 सीटिंग कैपेसिटी है इसमें, 3 जंदे बैठ सकते हैं इसमें आराम से। और आप इसका हेड रूम देखिए तो वो भी काफ़ी है, ये देखिए यहाँ पर दिया गया आपको AC वेंट्स, एयर प्योरीफायर का टच स्क्रीन, आप या चाहे तो ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। और नीचे AC वेंट्स, उसके नीचे दिया गया आपको एक AC का 12 वोल्ट का चार्जर, और फ़ोन रखने के लिए स्पेस। यहाँ पर भी आपको बोस का स्पीकर। वन टच टिप टंबल सीट्स मिलती है आपको। अगर आप इसकी तीसरी रो की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ बच्चे ही कम्फर्टेबली बैठ सकते हैं, मतलब बड़ा बंदा कोई कम्फर्टेबली बैठ नहीं सकता, खास करके लॉन्ग वे पे तो नो, सिर्फ बच्चों के लिए ही काफ़ी है जो थर्ड रो सीट्स है जो कि। और ये आपको दो वेरिएंट में आती है, मतलब एक 6 सीट वर्जन में आती है और एक 7 सीटर आती है। तो अगर हम बात करें इसके बूट स्पेस की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसेंट बूट स्पेस है, इसमें आप दो बैग्स अपने रख सकते हैं आराम से। हाँ जी, दो बैग्स ही आएंगे इसमें, और एक छोटा बैग आ जाए तो आ जाए, वहाँ नहीं आ सकते। यहाँ पर आपको सब बूफर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको टांगने के लिए एक हैंगर था दिया हुआ, इसको बोलते थे अगर मैं नाम भूल गया इसका। यहाँ पर एक लाइट दी हुई है, अगर आप चाहें तो सीट्स को आगे भी कर सकते हैं, इसको खींचेंगे तो ये सीट्स आगे हो जाएंगी। वो आगे वाली सीट जब आप एडजस्ट कर लेंगे तो फिर ये पूरी फोल्ड हो जाती है आगे की साइड में, अब जैसे इसको खींचेंगे तो वैसे ही नीचे की साइड डाउन हो जाएंगी। तो बात करते हैं इसके रियर व्यू की, मैं आपको पहले ही बताया मेरे को एंडीवर जैसा लुक लगता है इसमें कुछ। बाकी आप इसके सनरूफ देख लीजिए एक बार, सनरूफ भी काफ़ी बड़ी दी गई है।